हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 2021 में जो 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की जो लिस्ट रिलीज हुई थी, उसमें स्पेशली फॉर द 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें लैब असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, तो वेरियस कोर्सेज आर देयर इंटर 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज, उसका जो शेड्यूल आया था, जो काउंसलिंग हुई थी, वो किसके कैसे हुई थी, मैंने JNM का ऑलरेडी उसका एनालिसिस किया था फॉर द 2021। अब मैं 12th बेस पैरामेडिकल का भी कर रहा हूँ, और इन द एंड मैं एक JNM का भी थोड़ा सा आपको अगेन एक वो रिपीट बता दूंगा कि उसमें उन्होंने कैसे काउंसलिंग की थी, लॉस कट ऑफ क्या रहा था JNM के कोर्स के लिए। अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो पैरामेडिकल में जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स एज़ पर द 2021 थी 8648, ठीक है, तो ये सीट्स आपके पास टोटल थी। अब इसमें से जो गवर्नमेंट सीट्स की अवेलेबलिटी थी वो इसमें से थी 3005 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और जो इसमें आप ये मान के चलिए कि जो इसमें प्राइवेट सीट्स आ रही हैं, जो प्राइवेट सीट्स आ रही हैं वो 5643 के अराउंड आई थी। इस बार हो सकता है कि ये नंबर ऑफ़ सीट्स का एनहेंसमेंट हो, इंक्रीज़ हुई हो, लेकिन एट प्रेजेंट जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है वो मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। लास्ट ईयर का मैंने एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे ये मैं आपको वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो 5643 जो है ये प्राइवेट सीट्स थी, और 3000 प्लस आपकी गवर्नमेंट सीट्स थी फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है। अब इसमें जब लास्ट ईयर आप ये मान के चलिए कि उनने ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे, मतलब ऑल ऑफ द जो शॉर्ट लिस्ट, जो आपकी सिलेक्शन प्रोविजन मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने कॉल किया था। अब टोटल स्टूडेंट जो अप्लाइड हुए थे फॉर द ईयर 2021 वो अप्लाइड हुए थे 5743, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ सीट्स आप ये देखिए ज़्यादा थी, ठीक है, 8000 प्लस सीट्स थी, और अप्लाई किया था 5700, ठीक है, स्टूडेंट्स ने। तो इसी रीज़न के कारण, बिकॉज द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर लेस एंड द नंबर ऑफ़ सीट्स आर मोर, दे आर नॉट कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, दे आर मेकिंग द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द 12th बेस मेरिट मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कंडक्ट नहीं किया, और इस बार देखना है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने फॉर्म फिलअप करते हैं, ये उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये जो एनालिसिस है फ्रेंड्स, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये मैंने खुद अपना आप देखी शीट पे, JNM का, पैरामेडिकल का, नंबर ऑफ़ सीट्स, नंबर ऑफ़ प्राइवेट सीट्स, नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है, ये सब एनालिसिस, BSc नर्सिंग का भी मैंने एनालिसिस अपने चैनल पे किया, और ये खुद मैंने अपने हैंड रिटन एनालिसिस हैं, ना कि ये कहीं से मैंने कॉपी किया है, ठीक है, खुद का एक एनालिसिस है। अब काउंसलिंग जो शेड्यूल रहा था लास्ट ईयर में, अब ये देखिए, इन्होंने सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया था, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में इन्होंने सारे कैंडिडेट्स को कंसिडर किया था फॉर द 12th बेस। वेयर एज अगर मैं JNM की बात करूं, तो JNM में इन्होंने सबको कॉल नहीं किया था, इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को लेफ्ट ओवर छोड़ दिया था। लास्ट उसमें जो बुलाया गया था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, आई थिंक अप्रॉक्सीमेट उसके मेरिट में 62% थे 12th में, तो ये आप देखिए। और अब उसमें इसमें जो उन्होंने बुलाया गया एज़ पर द रैंक्स, और ये जो काउंसलिंग थी 1st अक्टूबर अभी रिसेंटली ही हुई है, 1st अक्टूबर को हुई थी, और रैंक वाइज अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 350 स्टूडेंट्स पर डे कॉल किया था, 350 कैंडिडेट्स पर डे इन्होंने, अप्रॉक्सीमेट 350 से 400 कैंडिडेट्स पर डे इन्होंने कॉल किया था फॉर द काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट काउंसलिंग रही थी इन केस ऑफ द BOPI इज कंसर्न, ऑफलाइन काउंसलिंग ये रही थी, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन रही थी, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके 13 डेज ये काउंसलिंग चली थी JK BOPI के ऑफिस में, 13 डेज, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया, और लास्ट रैंक के जो कैंडिडेट्स थे उनको भी इन्होंने कॉल किया था, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो सीट्स थी वो ज़्यादा थी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे, ठीक है। तो ये पैरामेडिकल का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आपका, ये देखिए, ये जो JNM का था लास्ट ईयर में, तो टोटल कैंडिडेट्स थे 8194,
काउंसलिंग इसकी अगस्त में स्टार्ट हुई थी, उसकी अक्टूबर में थी, देखिए कितना गैप था उसमें, इसकी अगस्त में थी जीएनएम की, उसकी अक्टूबर में थी, ठीक है, काउंसलिंग। और इसमें आप ये मान के चलिए जो लास्ट परसेंटेज थी जो काउंसलिंग में, जो शॉर्टलिस्टिंग में जो कैंडिडेट कंसिडर हुआ था, उसके 62.2 मेरिट बेसिस में फॉर द जीएनएम, ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने सबको नहीं बुलाया था, इन्होंने कैंडिडेट्स को छोड़ दिया था, ठीक है, बीच में से। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो उसमें 5000, इसमें जो जीएनएम में जो अप्लाई किया था 5742 थे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जो उन्होंने कैंडिडेट्स को कॉल किया था वो थे 3704, जिसमें लास्ट कट ऑफ 62% वाले का गया था, जो मैं आपको बता रहा था। और 2000+ स्टूडेंट्स इन्होंने लेफ्ट ओवर छोड़ दिए थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये देखिए कि जीएनएम में शॉर्टलिस्टिंग में उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को ड्रॉप आउट किया था, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने मैं आपको ये डिटेल एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें जो लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी जीएनएम के लिए वो 3985 थी, ठीक है, 3985 सीट्स थी जीएनएम के लिए, ठीक है। और इसमें से आप ये मान के चलिए कि जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो इस काउंसलिंग में आए थे वो थे 1550 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, क्योंकि जो टोटल सीट्स थी उसमें से गवर्नमेंट सीट्स भी थी, कुछ प्राइवेट थी, उनको मिला के ये सीट्स थी 3985। और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आए थे जीएनएम के लिए वो ओनली 1500 के आसपास थे। उन्होंने लोगों ने गवर्नमेंट सीट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, प्राइवेट के लिए वो नहीं आए थे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा, हो सकता है सेकेंड राउंड में वो आए हों, और फर्स्ट राउंड में ही जो लेफ्ट ओवर सीट्स थी वो 2400+ सीट्स वो बच गई थी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम आए थे फॉर द काउंसलिंग ऑफ द जीएनएम। और पैरामेडिकल की भी मैंने बता दी कि 13 डे वो उसकी काउंसलिंग चली थी, 12th बेस पैरामेडिकल की। तो फ्रेंड्स ये मैंने डिटेल आपको बता दी है दोनों की, जो काउंसलिंग स्नैरियो जो रहा था लास्ट ईयर का, और अभी भी जो फॉर्म्स की जो अपडेट आ रही है 12th बेस की, 12th बेस पैरामेडिकल की, ठीक है, अभी तक कोई भी फॉर्म का से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैंने जेके बॉपी में भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी उनके फ़ोन नंबर पे, लेकिन अभी तक उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। आज उन्होंने एक प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट, प्रोविजन सॉरी प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट नहीं, उन्होंने एक इंजीनियरिंग बीटेक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, बीई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे, मतलब अपने वेबसाइट पे अपलोड किया, वो मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उसका पीडीएफ सेंड कर दिया। अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया लिंक, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो जेके वैकेंसीज अपडेट करके, मेरा इंस्टा पे भी आईडी है, ठीक है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता था 12th बेस पैरामेडिकल का उम्मीद तो है कि अब इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन होपफुली नेक्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी तक 12th बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के भी जो ऑनलाइन फॉर्म्स फिलअप हुए थे उनकी भी उन्होंने प्रोविजन लिस्ट नहीं निकाली, अभी उसका भी उन्होंने एंट्रेंस कंडक्ट करना है, ठीक है। इसके एंट्रेंस का जो 12th बेस पैरामेडिकल केयर में बात करूँ तो चांसेस डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं दिस ईयर फॉर द ईयर 2022 में कितने अपीयर होते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने मेरिट बेसिस पे कर लिया था जीएनएम पैरामेडिकल का, ठीक है। तो अब इस बार का हम देखते हैं कि कहाँ पे वो मतलब क्या डिसीजन लेते हैं फॉर द कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट, और वेदर दे आर गोइंग टू गो थ्रू द सिलेक्शन ऑन द मेरिट बेसिस, ठीक है, चांसेस मेरिट बेसिस के मुझे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको सबको थैंक यू करना चाहता हूँ, वेरी सून मेरे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है, अभी कुछ अभी रहते हैं, लेकिन 5000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे तो मैं वेट कर रहा हूँ, वेरी मतलब एक्साइटेड हूँ इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कि मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर वेरी सून होने वाले हैं, ठीक है। और पास्ट 1.5 ईयर से मैं ये
चैनल चला रहा हूँ, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल है रिलेटेड टू एडमिशंस ऑन द यूट्यूब, स्पेशली फॉर द जे एंड के स्टूडेंट्स। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल, और बने रहिए चैनल के साथ, और आने वाले टाइम पर जैसे ही कोई अपडेट्स आते हैं एडमिशन से रिलेटेड, स्पेशली इन द जे एंड के यूटी, मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।